नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश, मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उसके पहले आप सभी को लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं, आपको भी सुनाते हैं। लागू करने की 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा का प्रतीक बना है और इसीलिए इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सबका मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चलना है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है और मोदी की गारंटी इस देश में आम जन की आकांक्षाओं का प्रतीक बना है। इसलिए थीम भी मोदी की गारंटी, मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, जिस नए भारत का आज हम दर्शन कर रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है, वह मोदी की गारंटी उसका आधार है और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा है, पहली बार योजनाओं का 100% लाभ गांवों को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को मिलते हुए देखा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ कोरोना जैसी महामारी के दौरान प्रारंभ की गई 4 वर्ष की योजना, 4 वर्ष से चली आ रही योजना आगामी 5 वर्ष के लिए जारी करने की बात। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत की सुविधा, इसको आगे भी जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वासन दे रही है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश, और इसकी शुरुआत होती है जनधन अकाउंट से, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट देश के अंदर खुल जाना। चार करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए एक एक पीएम आवास की योजना को उपलब्ध कराना, इसके दायरे को बढ़ा करके आगामी 5 वर्ष में 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य। जैसे अनेक ऐसी योजनाएं, चाहे वह 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि में 6000 रुपए सालाना उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, इन सभी योजनाओं को जो पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू की गई, इन्हें मोदी की गारंटी इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि ये आगे भी इसी रूप में इसका लाभ बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा। और इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के संकल्प पत्र ने नेशन फर्स्ट के अपने संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा, विकसित भारत की संकल्पना के लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए और ग्लोबल लीडर के रूप में भारत को प्रस्तुत करने के लिए एक विकसित भारत चाहिए।
विकसित भारत, ये हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि आजादी के अमृतकाल का ये प्रथम चुनाव, अब तक ये किसी भी चुनाव में पहला ये चुनाव है जिसमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। और भारत ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इन सभी बातों का उल्लेख भी किया है। मोदी जी की गारंटी इस देश के हर तबके के लोगों के लिए एक प्रमाण है। यह देश की अस्मिता का हो, भारत की सुरक्षा का हो, भारत की आस्था का हो, भारत की अर्थव्यवस्था के संरक्षण और संवर्धन, इन सभी को लेकर के मोदी जी की गारंटी इस संकल्प पत्र का आधार बना है। और इसमें जिन चार स्तंभों को ध्यान में रख के कार्य किया गया है, युवा, युवा के लिए जो योजनाएं पहले से चली आ रही है, चाहे वह पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, पीएम मुद्रा की योजना हो, पीएम मिशन रोजगार का कार्यक्रम हो, इन सब के दायरे को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ते हुए, पीएम मुद्रा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए, उसके दायरे को जो अब तक 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा थी, अब उसको 20 लाख तक करने का आश्वासन भी भारतीय जनता पार्टी का इस संकल्प पत्र उपलब्ध करवाता है। ऐसे ही नारी शक्ति के लिए मातृवंदना योजना से लेकर के नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने तक संसद और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण की गारंटी तो देता ही है, लेकिन इसको प्रभावी क्रियान्वयन भी होना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, और यह अभियान आगे बढ़ेगा, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में इसका उल्लेख किया है। अब तक 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य किए गए थे, अभी इसके दायरे को बढ़ाने की भी बात संकल्प पत्र कहता है। और यही नहीं, जब हम गरीब की बात करते हैं तो गरीब में पहली बार देश के अंदर इस देश के श्रमिक वर्ग को कहीं पहुंच पाया है, उसकी पहुंच हो पाई है। कोरोना कालखंड में उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई, उन्हें सुरक्षा कवर देकर के एक सुरक्षा सम्मान देने का कार्य भी हुआ, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उस समय मोदी जी की गारंटी ने दिया था, और स्ट्रीट वेंडर के लिए ठेला, खोमचा, रेड़ी और अन्य इस प्रकार के पटरी व्यवसायियों को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए, उसका क्रियान्वयन पीएम स्वनिधि योजना के दायरे को बढ़ा करके, अभी तक ये नगरीय क्षेत्र में था, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी पीएम स्वनिधि के दायरे को बढ़ा करके लाखों स्ट्रीट वेंडर को, श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ हर प्रकार की सुरक्षा की गारंटी देने का आश्वासन भी यह देता है, यह संकल्प पत्र देता है। इसके साथ ही अन्नदाता किसान के लिए भी तमाम योजनाएं पहले से चल रही हैं, उसके दायरे को बढ़ाने का कार्य भी यह संकल्प पत्र देता है। और अगर मैं कह सकता हूं कि यह संकल्प पत्र एक ब्लूप्रिंट है नए भारत का, श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विकसित भारत का। यह संकल्प पत्र घोषणा करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध का,
अंत्योदय से सर्वोदय का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, एक विकसित भारत का और ग्लोबल लीडर भारत का यह संकल्प पत्र। बीजेपी के द्वारा जारी की गई घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने घोषणा पत्र के बारे में तमाम जानकारियां दी और घोषणा पत्र में की गई सभी वादों के बारे में उन्होंने सारी जानकारी शेयर की है, सारी जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र भी कहा गया है, उसके बारे में जानकारी दी। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, औरंगाबाद आपको लिए चलते हैं, जहां बिहार में सीएम योगी की चुनावी रैली और औरंगाबाद में जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा में सीएम योगी शामिल हुए हैं और जनसभा में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। श्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोगों को मार्गदर्शन करें, संबोधन करें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ओमकेश्वरी माता और देवकुंड के पवित्र भूमि के हम नमन करी थी। आप सबके सादर अभिवादन करी थी। भगवान भास्कर के कृपा हम सबन पर बनल रहे। मंच पर उपस्थित औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय माननीय पार्षदगण श्री विनीत सिंह जी, दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, नगर परिषद औरंगाबाद श्री उदय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष लोजपा चंद्रभूषण सिंह जी, जिलाध्यक्ष राम श्री रणधीर कुमार सिंह जी, जदयू के नेता श्री पंकज पासवान जी और उत्तर प्रदेश की बस्ती की राजमाता श्रीमती आसिमा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, रामेश्वर बैठा जी, अमृत भूषण राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, औरंगाबाद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में जाने जाने वाला हमारा औरंगाबाद की शौर्य भूमि को नमन करता हूं, जिस भूमि ने बिहार की विभूति
से अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे महापुरुषों को जन्म दिया हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, पांच सौ वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या धाम में आप सबने प्रभु श्री रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। और स्वाभाविक रूप से प्रभु राम को विराजमान अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, या अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है, काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए, और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। गली भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के शेष भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था, और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है, जो कुछ बचे खुचे होंगे ना अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। बहनों और भाइयों, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, और हर घर नल की योजना। कोई सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों और भाइयों, वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, किस हद तक 80 करोड़ लोग 2020 से यानी गत 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं,
60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही है, 50 करोड़ लोगों के जनधन के अकाउंट खोल दिए, जिससे दिल्ली से कोई पैसा अगर सरकार भेजती है पैसा सीधे आपके अकाउंट में जाए, बीच में कोई दलाल उस पर डकैती न डालने पाए। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर और 4 करोड़ लोगों को सिर ढकने के लिए एक एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में। बहनों और भाइयों, हम लालू जी से कहेंगे कि आप संख्या बढ़ाइए, यहां मकान तो फ्री में मोदी जी दे ही रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को फ्री में आवास दे दिया। बहनों और भाइयों, और मोदी जी ने कल के संकल्प पत्र में एक बात और कही कि 3 करोड़ और आवास अगले 5 वर्ष के अंदर गरीबों को देंगे। इसका सर्वाधिक लाभ तो यूपी और बिहार को ही लेना है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजियारा कर दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी, फ्री में कनेक्शन गरीबों को मिल रहे हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड के दौरान जब बिहार के लोग अन्य राज्यों में कार्य करते हुए निकल रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भेदभाव मत करना बिहार के लोगों से, क्योंकि माता सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए उनके साथ भेदभाव मत करना। जो सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को मिले वही सुविधा हमारे बिहार के बहनों और भाइयों को उपलब्ध करवाना, उनके रहने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो सुविधा मिली थी उस समय लोगों ने सराहा था कि वाह, हमें अब लगता है कि ये यूपी और बिहार का मेल किस रूप में है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर के और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तट्टी लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो बस, आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।